पवित्र स्थान तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर दिया मनमोह शिवालिक दिया पहाड़ियां च सुशोभित है। सचखंड श्री खुरालगढ़ साहब विखे श्री गुरु रविदास जी महाराज लुकाई का उदार करने लिए 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे। श्री गुरु रविदास जी दुनिया के उदार लिए सचखंड खुरालगढ़ साहब विखे रह रहे सन ते हमेशा प्रभु की बंदगी च लीन रहिंदे सन। ए इलाका गुरु जी की कृपा नाल खुशहाल होण लगा। गुरु जी की अपार कृपा नाल बह रहे झरने ते सरोवर च संगत इशनान करके अपना जीवन सफला करती है। संगतां दी सहूलत ले लंगर निरंतर चलता है जिथे देश विदेश तो श्रद्धालु अपना वध तो वध योगदान पाते रहते हैं। देश विदेश तो इत्थे हर रोज संगत नतमस्तक होके गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करती है। इत्थे सरोवर ते इमारत दा निर्माण शुरू है जिस लई देश विदेश दी संगत अपना योगदान ते सेवा कर रही है। सारा दिन इत्थे श्री गुरु रविदास जी दी महिमा दे गुणगान हुंदे हन। गुरु घर दी कमेटी दे मुख काम हन समाज विच फैलियां बुराइयां दूर करना, खूनदान कैंप, अखां दे कैंप लगाउणे आदि हन। इत्थे मेडिकल कॉलेज ते तकनीकी कॉलेज खोलण दा विचार है। इस दे नाल ही सब धर्मां दा सत्कार करदे होए श्री गुरु रविदास महाराज दे मिशन बेगमपुरा नूं घर घर पहुंचाउणा है। गुरु घर बारे ताजा जानकारी लई महीनावार पेपर आ धर्म पत्रिका भी शुरू कीता गया है। गंगा बिच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। गंगा बिच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। चरण गंगा बिच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। चरण गंगा दी सदियां फिकर बगदी तारा गंगा दी तारा ना एक बारी छो जांदा। खुराल कड़ी विच थां इतिहासक गुरां दी चरण गंगा। चरण गंगा बिच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। चरण गंगा बिच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर प्यो दर्शन देखे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जतरंग जैसा, जो पे हमना पाप करंता, अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता। तुम जो नायक आशो अंतर जामी, प्रभते जन जनीजे जनते स्वामी। शरीर आराधे मोको विचार दिहो, रविदास समदल समझावे को। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब के
अंग 93 उत्ते ये अंकित किया है। प्यारी साध संग जीओ, पहली लाइन जो असं ध्यान दे नाल समझते हाँ, गुरु जी कहिंदे हन तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। ये सवाल है, ऐ प्रभु तेरे ते मेरे विच, मेरे ते तेरे विच किहो जिहा अंतर है। ते नाल ही इहदा फिर जवाब है कि अंतर है पर किहो जिहा है। कनक काटक जल तरंग जैसा। दो उदाहरण दित्तियां हन, एक सोने दी एक पानी दी। पहला क्या कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, नाल ही कहते कि कनक काटक जल तरंग जैसा। हुण फर्क समझना पएगा भी, पहला फर्क है नहीं तो फर्क है, फिर किहो जिहा फर्क है तो फर्क क्यों पिया। जिन्ना चिर असीं इस गल नूं विचार नहीं करते, इहनूं इहनूं इहदे अर्थ नहीं करते, उन्ना चिर गल समझ नहीं आउणी भी इह किहो जिहा फर्क है तो फर्क क्यों है। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कड़क जल तरंग जैसा। सोने अते सोने दे गहने विच जो फर्क है, जल ते जल दी तरंग विच जो फर्क है, फिर ये फर्क है क्यों, क्यों फर्क पिया। प्यारी साध संग जीओ, आप सारे जानते हैं कि 24 कैरेट सोने का गहना नहीं बनता। गहना बनाने वास्ते शुद्ध सोने के 2% की खोट पाई जाती है, 2 कैरेट की, फिर वो 22 कैरेट का गहना बनता है। तो जिहदा असीं नामकरण कर देंदे हाँ कड़ा छाप मुंदरी सिंह तवीत, जो पुराने गहने से वो उहदा नामकरण हो जाता, क्योंकि सोने तो वख हो गए, उन्हां दी होंद च आ गए वह। तो सानू इस तरह लगन लग गया कि सोना ही कई प्रकार का है। पर प्यारी साध संग जीओ, क्योंकि सोना तो सोना है, इस कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इस करके पिया कि गहना बनाने वास्ते 2% की राल पाती, खोट पा दिती आ, ते ओ अलग हो गया, उहदा नामकरण अलग हो गया। पर जदों इस सोने नूं सुनियार ने कुठारी च पा के दुबारा मेल्ट किया तां ओह जिहड़ी खोट सी ओह जल गई, ते फिर शुद्ध सोना 24 कैरेट दा 24 कैरेट रह गया। इस तरह समुंदर दे विच जदों बहुत ज़्यादा भचाल आया हुंदा है, हवा आई हुंदी है, हनेरी आई हुंदी आ, तां देखण नूं इस तरह लगता है कि इह तां सारियां लहरां ही हन, इह तां तरंगां ही हन, पाणी तो अलग ने सारा। पर जदों वो शांत हो जाता है भचाल जां जिहड़ा हवा है, तां वो जिहड़ियां लहरां हन उस दे विच विलीन हो जांदियां हन, अबजॉर्ब हो जांदियां हन, फिर वो सारा पाणी दा पाणी नज़र आउंदा है। इस तरह गुरु महाराज जी ने ये उदाहरण दे के कहा कि सच्चे पातशाह तेरे अते मेरे च कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये हो गया कि जिहड़ी विच खोट पै गई है, राल पै गई है, अलग नामकरण हो गया, अलग होंद आ गई है, इस करके ये सानू अलग लगती है। पर जदों हुण सवाल यह होया कि सोने विच तां राल पै गई, समुद्र दे लहरां आ गईयां हवा करके, तो बंदे विच की फर्क पिया। प्यारी साध संग जीओ, बंदे विच की फर्क पिया है कि ये जदों जन्म होया इंसान का, ये जीव का, ये अवतार रूपी सी, पर ज्यों ये माँ के पेट चो बाहर आया तां ये उस तो अलग हो गया। प्यारी साध संग जीओ, बच्चा जन्म समय जदों माँ के उधर चो बाहर आता है, ये औल दे नाल जुड़िया होंदा है, तो जिन्ना चिर औल दे नाल जुड़िया रहिंदा है प्यारी साध संग जीओ उन्ना चिर रोंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीव का जो ध्यान है, जो सुरती है, वह परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई होंदी है। तो ज्यों ही वह बाहर आता है, असी उन्हों नाड़ियो तो अलग करते हाँ तो रोन लग जाता है। क्यों? उसकी लिप टुट जाती है, उस परमात्मा नालों लिप टुट जाती है, तो असी की करते हाँ लिप छुटकी बहुत दूजा लाया। ज्यों ही उसनों अलग किया नाड़ूए तो, तो जद असी कहने भूआ आ जा भाई गुड़सुत्ती दे, वो मिठा मूँह ला देती है। तो प्यारी साध संग जीओ, बच्चे ने अजे हुणे जन्म लिया है, देखो किस तरह अपने बुल्लां नूं चूसदा है। वह पहले दिन का लग्या स्वाद, पहले दिन का लग्या रस, फिर सारी जिंदगी
ਇਹ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਦ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਆਫ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਈ ਮਾਈ ਮੀ ਵੀ ਅਵਰ ਅਸ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕੰਨ ਕੜਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਫ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਪੇ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤ ਇਹ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੋਰਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਸ਼ੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਨੀਜੇ ਜਨਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੇ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੋਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚਰਨ ਛੋ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੇ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ, ਚਰਨ ਛੋ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚਰਨ ਛੋ ਗੰਗਾ ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਚਰਨ ਛੋ ਗੰਗਾ, ਚਰਨ ਪਾਂਵ ਪੈਰ, ਛੋ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਛੂਹਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਰਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀ?
सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने सज्जे पैर दे अंगूठे दे नाल एक भारी पत्थर नूं परे हटा के राजा बहन सिंह दे कहण ते जदों उह हटाया तां उत्थों गंगा दा प्रगट हो गई। चरण पैर सतगुरु दास महाराज दे शो टच किते, चरण टच किते कद नाल पत्थर नाल ते उह जदों परे हटाया उहदे विच गंगा प्रगट हो गई। चरण शो गंगा। प्यारी साध संगियो अगे आ गया अमृत कुंड। अमृत कुंड क्यों कहा जाता है? प्यारी साध संग जीओ आप बहुत सारे थानों जाते हो, उत्थे इशनान भी करते हो, पर तुसी आम देखिया होगा कि जिन्ने भी सरोवर हैं सारे में जोड़ा पानी है वो बाहरले स्रोत तो पाया जाता है, बाहरले सोमे तो पाया जाता है, चाहे वह नहर का पानी होवे चाहे ट्यूबवैल का, पर यह अद्वितीय अगम्मी सरोवर है जिदे विचों आप मुहारे वो अमृत की धारा फुटती है, प्रगट होती है। इस करके इसनूं कहिंदे अमृत कुंड। अमृत की धारा, अमृत की कुंड, अमृत का सरोवर, सचखंड। प्यारी साध संग जीओ सचखंड क्यों कहा जाता है? सचखंड उस जगह नूं कहा जाता है जिथे वो रहवर वो परमात्मा आप आए होण, उस धरती नूं उहदी चरण छोह प्राप्त होवे। सतगुरु दास महाराज की इस जगह के उत्ते चरण छोह गंगा के उत्ते छोह प्राप्त है। और गुरु महाराज जी इत्थे 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे, उन्होंने अदुत्ती बाणी दे नाल तुरदी बाणी दे नाल संगत नूं जोड़िया ते जो भी इत्थे आया उहदा कल्याण होया है। यह जो चरण छोह गंगा है यह शिवालिक दीआं पहाड़ियां दे विच स्थित है, बड़ी रमणीक थां है। इत्थे जो एक बार आ जाता है उहनूं बार बार आउण नूं जी करदा है। प्यारी साध संगत जीओ इत्थे ही बस नहीं, ये चरण जिहड़ा गंगा है ये 500 गज उत्ते जाके अलोप हो जाती है, समा जाती है। एक तो गल्लां कहण सुणदियां हुंदियां ने कि इदां होया सी, इदां होया है, नहीं, एट प्रेजेंट हुण वर्तमान समय के भी आके देखो ये जिहड़ी अमृत धारा है, जिहड़ी ये गंगा है 500 गज उत्ते जाके अलोप हो जाती है, समा जाती है। क्योंकि राजा बैन सिंह भरम हो गया सी, सतगुरु दास महाराज ने कहा सी कि चल गंगा प्रगट हो गई आ अपने इलाके में, जिथे जिथे जाएगा गंगा तेरे नाल नाल जाएगी। 500 गज ते जाके लेंदे वासे राजे नूं वहम हो गया, जदों उहने पिछे मुड़ के देखिया तो गंगा उत्थे ही समा गई, तो हुण तक यह गंगा उत्थे ही समा जाती है, आके देख सकते हो। गुरु प्यारी साध संग जीओ जो भी प्राणी आस्था लैके इस जगह पर आउंदा है, मन दे विच कोई धारना धार के लिआउंदा है, गुरु महाराज उहदी पूरी करदे हन, क्योंकि वह समर्थ है, कारण कारण योग है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछांत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर दृष्टि कृपा कर फूला। प्यारी साध संग जीओ एक कहण दीआं गल्लां नहीं हन, जिहड़ा हिरदे विच धार के आउंदा है गुरु महाराज उहनूं आपे जाणी जाण हन, उह कीड़ी तों लैके हाथी तक दे हिरदे नूं पढ़ लैंदे हन। प्यारी साध संग जीओ कीड़ी दा हिरदा किन्ना क हुंदा है? छोटा, हाथी किड्डा वड्डा, पर दोनों के उत्ते इक्को जी अपार कृपा बनाई रखता है। इस दे नाल ही मैं आप तो रजा लैंदा हाँ। जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय सतगुरदास, धन सतगुरदास, पूर्ण करो सब की आस। ऑल इंडिया आत्मन मिशन भारत ने उस मुहिम नूं होर अगे वधाउंदे होए श्री गुरु रविदास जी दे वो सारे पवित्र स्थान जिथे गुरु जी अपने जीवन काल विच दुनिया नूं तारन ले गए सन, उन्हां अस्थानां दी खोज करके उत्थे उत्थे इतिहासक धार्मिक अस्थानां दी उसारी करवाउण अधीन पिछले दिन एक वफ्त वड्डी धार्मिक शोभा यात्रा लैके तमिलनाडु दी धरती लैंड ऑफ अलोरा गया। जिस की अगवाई संत सतविंदर हीरा ने की, जिथे गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया गया। एक विशाल मंदिर बनाना आरंभ किया गया है। संत सतविंदर हीरा का कहना है कि आत्म मिशन नाल जुड़े हुए बुद्धिजीवी इतिहासकार अजिहे स्थानों की खोज कर रहे हैं।
गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संग जीओ समूह आल इंडिया धर्म मिशन श्री गुरु रविदास इतिहासिक धर्म स्थान चरण छो गंगा अमृत कुंड सचखंड साहब की कमेटी वालों सारिया संगतान नू निम्रता सहित बेनती की जाती है कि गुरु घर के कार सेवा आरंभ है। तो सारिया संगतान नू बेनती है कि जिन्हें भी गुरु पातशाह ने आप जी ने समर्था बख्शिश की है उसनों मुख रख के अपने परिवार की परवरिश करते हुए बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए जे आप जी के पास सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है तो उस कुछ ना कुछ दसाऊ कढ के गुरु पातशाह के कार सेवा दे विच योगदान पा के सतगुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करो अपने जन्म सफल करो जी। पाथड़ी तो गुरु घर लई मुफ्त गड्डी सेवा संगत दी सहूलत लई श्री चरण छो गंगा लई मुफ्त गड्डी दी सेवा शुरू की गई है जिस तो संगता फायदा लै सकदियां हन अते गुरु घर दे दर्शन कर सकदियां हन। सिंह सभा गुरुद्वारा गाला मस्कट उस्मान ते अजमान विखे श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन पुरब श्रद्धा नाल मनाए गए। इस मौके जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह आनंदपुर साहब कथावाचक ज्ञानी कुलविंदर सिंह सरबत पला आश्रम मकसूदा दे संचालक संत बाबा जगीर सिंह अते सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे अरदासिये भाई सुल्तान सिंह ने संगत नूं श्री गुरु नानक देव जी दी बाणी तो सेध लै के अपना जीवन सफला करन लई प्रेरिया। गुरु घर दे मुख सेवादार भाई साहब भाई प्रेमपाल सिंह खालसा मस्कट तों सतपाल मेहे प्रधान यूएई अते महान शख्सियतां नूं सिरपाओ पा के सन्मानित कीता। गुरु के लंगर अटुट वरते बाबा बंता राम केड़ा जी यादगार संगीत अकैडमी विच बच्चियां नूं संगीत दी सिख्या ते पढ़ाई गुरु घर वालों मुफ्त करवाई जांदी है। लोड़वंद बच्चे इस दा फायदा उठा सकते हैं। संपर्क करो 9417-5352-9841-13734 9417-7144। आज धर्म पत्रिका हिंदी ते पंजाबी मासिक दी सहयोगी राशि 1 साल दी 120 रुपये संपादक नाच राम मान 9417-2444 सहायक संपादक अजीत राम खैतान राम सिंह बद्दन। ये प्रोग्राम तुहानू किस तरह का लगा तुसी अपनी राय इन्हां नंबरां ते दिओ। साडे नंबर हन 9841-27-630 88-727-5727-97-796-27-888।